9 बार ओथ ले लिए, जीते कितने बार, हालांकि तीसरा नंबर का पार्टी, तीसरा नंबर के पार्टी, लेकिन ओथ लिए 9 बार और एक टर्म में ले लिए 3-3 बार। हम तो बोले भाजपा वाले लोगों को विधानसभा में, बोला बोलता है लेकिन मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत है। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रह गई बिहार को आगे ले जाने के लिए, ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर इधर उधर, अरे हो क्या रहा है, हम लोग ईमानदारी से, लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम करना पड़ेगा। तो इतना आप लोग ताकत दिए और हम तो दो दो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए, ताकि बिहार के लिए चाहिए, बिहार आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें, सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, हम लोग सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं कि राजद जो है, लालटेन पार्टी जो है, माई की पार्टी है। सुनिए, छोड़ो, कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है ये। ये बाप की पार्टी कैसे है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आदि आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं, सभी बहुजन आगे, सभी अगड़ा लोग आगे, आदि आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहते हैं, कई विधानसभा है यहाँ, कई ब्लॉक है यहाँ, बताइए 10 साल में भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया, आकलन कीजिए, क्या फर्क आया आपके जिंदगी में। देश भर में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया, या बताओ मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया, हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। हम लोग काम करने वाले लोग, ये लोग केवल जुमला पार्टी, केवल जुमलों की बात करता है, तकरार की बात करता है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हम बिहार में हम लोगों ने कराया, क्यों कराया, ताकि भाई स्थिति पता चले,
कौन लोग कितने गरीब लोग हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग पलायन करता है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन लोग ठेला धोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है कचरा और नाला साफ करने का काम करता है, कौन लोग है, कौन परिवार है रे भाई जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कौन लोग है जिसका घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कौन लोग है रे भाई जो भूमिहीन है। हमने वादा किया था कि भाई सामाजिक न्याय के साथ साथ आप लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, अब पता चल गया कि भाई कौन लोग है, कितनी किसकी संख्या है, कौन बेरोजगार है, किसको नौकरी है, साथ कौन गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो जो गरीब लोग हैं, जिसको नौकरी नहीं है, उसको हम लोग जो है मदद करने जा रहे थे 2 लाख रुपया देकर के, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं, आर्थिक मदद ये योजना हम लोग बनाए। जिसका घर नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, जिसका पक्का मकान नहीं है, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देंगे। हो सकता था इससे काम नहीं चलता तो और हम लोग बढ़ा देते, लेकिन यही काम सब छूटा हुआ था, इसी काम में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ उनको। अरे है तो हमारे आदरणीय ना बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा गलती की। रात रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर ओपीडी डबल कर दिए, बिहार में पर्यटन नीति लाए, और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी आए। ये हम लोगों ने काम किया, आईटी पॉलिसी लाए, बिहार में इन्वेस्टर मीट किया, पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने, पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया गया। इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे, हर जगह आईटी मिनिस्टर जो थे मंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग करवा रहे थे। आईटी पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स नीति लाए, बताओ नौकरी तो नौकरी, जो बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था। हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला जो मेडल लाया उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, सारा काम हम लोग कर रहे। लेकिन आप बताइए मुजफ्फरपुर में जो हम 17 महीने में किए रहते हुए, वो आपको गिना दे, लगभग 52 स्वास्थ्य उपकेंद्र हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने किया, सैंक्शन किया, पूरे मुजफ्फरपुर में जहां भी जमीन उपलब्ध हुआ, जहां नहीं था वहां 52, चाहे गाय घाट हो, राई हो, मीनापुर हो, बोचा हो, सकरा हो, कुर्दी हो, साहेबगंज हो, पाड़ू हो, काटी हो, पूरा मुजफ्फरपुर में 6 से 8 प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने उपकेंद्र का स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। अब बनेगा, और हमने फैसला भी किया कि बनेगा तो प्री फैब बना, जल्दी बन जाता है, मेंटेनेंस नहीं ज्यादा लागत रहता है। कपटपुरा काटी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण 43 करोड़ रुपए का, प्रशासनिक सिक्योरिटी हम लोग दिए। मोतीपुर साहेबगंज एवं मोतीपुर महापल के बीच आरओबी का निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपया जो है हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम किया। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर परिसर में होमी बाबा कैंसर